प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरी निकायों में 27 सितंबर को पार्षद पदों के लिए वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले का है। यहाँ 6 नगरी निकायों में चुनाव होना है। कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने 3 गुना ज्यादा ताकत लगाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की तरफ से अखिल ने कमलनाथ इलेक्शन कैंपेन के संभाल रहे हैं। अखिल छिंदवाड़ा जिले में सीएम ने 3 चुनावी सभाएं की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने चुनावी सभाओं के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रणनीति तैयार की। पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कर्मचारियों को आकर्षित करने बड़ा दांव खेला है। जी हां, कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने 18 साल के कार्यकाल में प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, रेप में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। जब हम सत्ता में आए तो इस तरह का प्रदेश भाजपा ने हमें सौंपा था। उन्होंने कहा कि मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो क्या कोई अपराध किया? मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी तो कौन सा गुनाह किया? मैंने गौशाला खुलवाए तो कौन सा गुनाह किया? उन्होंने कहा कि आचार संहिता का समय निकाल दे तो उन्हें सिर्फ 11.5 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को मिला था। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ कलाकारी की राजनीति करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं घोषणा नहीं करता लेकिन आज कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाए।